हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी सुपर फाइन। दिस इज नवीन जैनिन एंड आई अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एनआरपी नेट। आज डियर स्टूडेंट्स, हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज करिएगा कि आई हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोट सेवर्ट लॉ और थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस किया था ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑयस्टर्ड, ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उस कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई भी हमने पॉइंट पी चूज किया और इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट किया था? बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से कैलकुलेट किया था। एक्चुअली बायोट सेवर्ट लॉ हमें किसके बारे में बता रहा था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर करते हैं एक्स वाई। ये आपके पास क्या एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है बेटा एक्स से वाई करंट फ्लो कर रहा है। एक्स से वाई और कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड अपने कंडक्टर से जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया? ए कंसीडर किया। ओके, देखिए क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई की वजह से और कौन से पॉइंट पर कंसिडर करना चाह रहे हैं? पी पॉइंट पर, यानी कि अपना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कौन सा है? पी। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंडक्टर से किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करता है? ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करता है। ओके, सो सबसे पहला काम जो आप और हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो होगा लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। एक्स वाई कंडक्टर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे पहले और मान लीजिए कि वो स्मॉल करंट एलिमेंट ये है आपके पास। दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट ए बी और करंट एलिमेंट को हम किससे लिखेंगे? आई डी एल वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई डी एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्टली इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से और पी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मैंने क्या मान लिया? आर। करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आप क्या कंसीडर करेंगे? थीटा कंसीडर करेंगे। आप यू मान के चलिएगा कि आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट है ए बी। आप पूरे डायग्राम को ना देखें, सिर्फ इतना देखिएगा ए बी, रेस्ट ऑफ डायग्राम को भूल जाओ। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द करंट एलिमेंट आई डी एल और ये है अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी और ये डिस्टेंस और यू कैन से पोजिशन वेक्टर क्या है? आर। और ये एंगल क्या है? थीटा। कि ये जो स्मॉल पोर्शन आप देख रहे हैं सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से और पी पॉइंट पर पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे? बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से, आईडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए प्रॉपर लिमिट्स के साथ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल करंट एलिमेंट सॉरी होल करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आईडियल और स्मॉल करंट एलिमेंट हमने क्या मांग रखा है? ए बी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई
आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और इसे मानिए इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंट एबी की वजह से किसी पॉइंट पी पे और वो बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ओके नाउ लुक एट द डायग्राम प्लीज। सपोज देयर इज अ पॉइंट ओ, ओ और बी का जो सेपरेशन है वो आपने मान लिया एल, यहां से और करंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है एल, ये क्या है ए और ये क्या मान रखा आपने आर मान रखा है। ओके अब मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है आपके पास ये एंगल हमने अपनी मर्जी से क्या मान लिया फाई मान लिया, इस एंगल को अपनी मर्जी से क्या मान लिया फाई मान लिया। अब हमने ट्राइंगल लिया ओ बी पी, इस ट्राइंगल में आप क्या लिखेंगे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में ओ बी पी ट्राइंगल में थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे यहां से और क्या कैलकुलेट करिएगा थीटा यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 5। थीटा क्या आ गया 90 माइनस 5, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 5। ओके और साइन 90 माइनस 5 को हम क्या लिखेंगे कोस 5, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ गया कोस 5, इसे मानिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है इसी ट्राइंगल को यूज करिए और यहां से निकालिए आप कोस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे यहां से क्या निकाल लीजिए कोस 5, कोस क्या आएगा बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास क्या है ए और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है आर और यहां से क्या कैलकुलेट कर लें आर कैलकुलेट कर लें तो आर निकालेंगे तो क्या आएगा ए अपॉन कोस 5, यहां से आर निकालेंगे तो क्या आएगा ए अपॉन कोस 5, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अगेन इसी ट्राइंगल से टेंजेंट फाई कैलकुलेट करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसी ट्राइंगल से क्या निकालेंगे टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट आपके पास क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एल बाई ए, एल बाई ए और यहां से क्या कैलकुलेट करिए आप एल तो आपके पास आ जाएगा ए टेंजेंट फाई, ए टेंजेंट फाई, इसे डिफ्रेंशिएट करिएगा डिफ्रेंशिएटिंग इट वी गेट एल का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा डीएल, ए कॉन्स्टेंट टेंजेंट फाई का सीकेंट स्क्वेयर फाई और फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा स्टूडेंट्स डी फाई। ओके और इसे हम मानते हैं इक्वेशन 3। देखिए ये सब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो इक्वेशंस हमने निकाली है इनको इक्वेशंस ए में पुट कर दो, ठीक है यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन ए वी गेट, इनको इक्वेशन ए में यूज करेंगे तो इक्वेशन ए आपके पास क्या है डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल और डीएल की वैल्यू इक्वेशन 3 से क्या पुट कर देंगे ए सेकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई, डीएल की वैल्यू क्या आ गई ए सेकेंड स्क्वेयर फाई डी फाई इंटू क्या है साइन थीटा और साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे कोस 5 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है आर स्क्वेयर और आर की वैल्यू क्या है ए अपॉन कोस 5 और इसका क्या आएगा स्क्वेयर आएगा। ओके देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिस इज आई ए secant square phi cos phi d phi divided by a square into देखिए 1 upon cos phi को हम क्या लिखेंगे secant phi और square है तो आप क्या लगा देंगे square लगा देंगे तो secant square phi। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा डेफिनेटली यहां पे
और जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, सेकेंड स्क्वायर फाइव से सेकेंड स्क्वायर फाइव कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, दिस इज आई अपॉन ए, आई अपॉन ए इंटू क्या बच गया आपके पास, कोस फाइव डी फाइव, और इसे मानिए इक्वेशन बी. एक्चुअल में इक्वेशन ए को हमने फाई के टर्म में चेंज कर लिया है. ये जो भी काम आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो बनाई है ना, वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि इक्वेशन ए जो थीटा की टर्म में थी उसको हमने किसके टर्म में बना लिया, फाई की टर्म में बनाया. और वो इसलिए बनाया डियर स्टूडेंट क्योंकि जब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे देन वी हैव टू नीड द लिमिट्स, और हमारे पास फाई के टर्म में लिमिट्स इजिली अवेलेबल है. देखिएगा ये वाले जो आपके पास लिमिट्स बन गई, दैट इज कॉल्ड फाई टू एंड दिस इज ऑफ फाई वन. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक्स एंड को कवर करेंगे, एक्स एंड को कवर करेंगे तो ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक मैंने मान लिया फाई वन, और वाई एंड कवर करेंगे तो ये वाला एंड आपके पास क्या हो गया, फाई टू हो गया. अब आप फाई के रेस्पेक्ट में इजिली क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई हमने इक्वेशन ए को जो कि थीटा की फॉर्म में थी किसमें कन्वर्ट कर लिया, फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ये भी स्मॉल करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड था और ये भी स्मॉल करंट एलिमेंट का ही मैग्नेटिक फील्ड है. अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना बाकी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना अभी बाकी है. तो क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इक्वेशन बी को प्रॉपर लिमिट्स के साथ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. ओके, सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बी विथ प्रॉपर लिमिट्स के साथ क्या कर देंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे. तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो डीबी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा, बी. ठीक है, इंटीग्रेशन म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए, म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए और इंटू आपके पास क्या है, कोस फाई डी फाई, इंटू आपके पास क्या है, कोस फाई डी फाई. एंड व्हाट विल बी द लिमिट्स, ध्यान से देखिएगा, अगर लोअर एंड एक्स को कवर करना है तो हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, फाई वन, और अपर लिमिट हमारी क्या होगी, फाई टू. तो इसे लिमिट लगा दीजिए माइनस फाई वन से प्लस फाई टू. जब आप फाई वन से फाई टू लिमिट्स लगाएंगे तो फाई वन लिमिट से हमारा एक्स एंड कवर हो गया और फाई टू लिमिट से वाई एंड कवर हो गया. तो पूरे कंडक्टर की वजह से क्या आ जाएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. ओके, सो बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीग्रेशन फाई के रेस्पेक्ट में होगा तो जितनी भी नॉन फाई की टर्म्स है उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो. तो नॉन फाई की टर्म्स क्या आ गई, म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए, इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू, दिस इज कॉस फाइव डी फाइव. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट कॉस फाइव, सो बी इज इक्वल्स टू म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए, कॉस फाइव का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस साइन फाइव, लिमिट्स लगा देंगे माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू. नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व द लिमिट्स, सो बी इज इक्वल्स टू म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए यूजिंग द अपर लिमिट साइन फाई टू, माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस साइन फाई वन. दिस इज द इक्वेशन थ्री, और यू कैन से सी दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी, कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर वो कितना आएगा, म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन. ओके, अब कुछ स्पेशल केसेस हम क्या करेंगे, इसके डिस्कस करेंगे. ओके, यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज.
अब देखिए स्पेशल केस क्या क्या होंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे आप उनको। इक्वेशन जो थ्री और आई कैन से सी जो आपके पास है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। ठीक है, बस इसी इक्वेशन को अपन रख लेते हैं, बाकी अपन सारा मिटा लेते हैं। ये भी मिटा दीजिए, देखिएगा ये है हमारे पास इक्वेशन सी। अब पहला स्पेशल केस जो हम यहां फाइंड आउट करेंगे, स्पेशल केस एंड द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। पहला स्पेशल केस क्या पढ़ते हैं? इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ। कंडक्टर की लेंथ कैसी है? फाइनाइट। एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर। पॉइंट पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। कि ये है मेन पॉइंट जो हमें याद रखना है। स्पेशल केस अपना क्या है? कंडक्टर कैसे लेंथ का है? फाइनाइट लेंथ का है। और पॉइंट पी जो लाई करता है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर लाई करता है। मींस अगेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम। ये है आपका कंडक्टर एक्स वाई और ये कैसे लेंथ का है? फाइनाइट लेंथ का है। एंड द पॉइंट पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर। मीन्स यू कैन से दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास फाइव वन, ये वाली लिमिट फाइव वन और ये वाली लिमिट फाइव टू। तो ये दोनों एंगल्स इस सिचुएशन में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम ये क्या है? फाइव वन और ये क्या है? फाइव टू। तो जो पर्टिकुलर केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में फाइव वन इज इक्वल्स टू फाइव टू इज इक्वल्स टू क्या होगा? फाइव होगा। तो इक्वेशन सी से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। तो हम दोनों को क्या लिख लेंगे? फाइव साइन फाइव प्लस साइन फाइव। सो फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए दिस इज टू साइन फाइव बी। और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टू से टू कैंसिल कर लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए और इनटू आपके पास क्या आएगा? साइन फाइव। ये पहला स्पेशल केस है डियर स्टूडेंट्स। और डोंट फॉरगेट कि हमने कंडक्टर की लेंथ को कैसा ट्रीट किया है? फाइनाइट ट्रीट किया है। ओके, नाउ केस सेकंड देखिए क्या है। केस सेकंड है आपके पास इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये तो बात हो गई लेंथ की। अब बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां लाई करते हैं। इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड द पॉइंट पी लाइज वेरी क्लोज टू द कंडक्टर, वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। और जो पॉइंट पी है वो लाई करता है वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। नाउ व्हाट विल बी द डायग्राम? नाउ देखिएगा, यहां हम फिर से एक बार डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आपके पास कंडक्टर है एक्स वाई, बट फिलहाल कंडक्टर कैसी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है। कंडक्टर कैसी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ। और जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो लाई करता है वेरी क्लोज टू द कंडक्टर। ये वाला डिस्टेंस क्या है आपके पास? ए। ये डिस्टेंस यहां क्या है? ए। और कंडक्टर में करंट कितना है? आई। यहां भी कंडक्टर में जो करंट है वो कितना है? आई करंट है आपके पास। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि जब फाइव वन और फाइव टू जो थे, फाइव वन कैसे मिलेगा आपको?
ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को आप किससे मिलाएंगे, एक्स एंड से, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट वाई पी को किससे मिलाएंगे, वाई एंड से, तो कौन मिलेगा, फाइव वन और फाइव टू। बट ये तो कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वाले जो डिस्टेंसेज है, जब आप इनको मिलाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलमोस्ट कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। दैट इज फाइव वन इज इक्वल्स टू फाइव टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। कैसे, फिर से देखिएगा एक बार, ये कंडक्टर है, अभी तक तो आपके पास ये वाला एंगल क्या है, फाइव टू, और ये वाला एंगल क्या है। अब आप सपोज करो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, और जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो पहले अपन इस पी वाले पॉइंट को यहां तक लेके गए, फिर इस वाले एंड 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 तक लेके गए, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये वाला एंगल ऑलमोस्ट हमें कितना नजर आने लगेगा, 90 नजर आने लगेगा। ओके, दैट्स व्हाई फाइव वन इज इक्वल्स टू फाइव टू इज इक्वल्स टू क्या है, पाई बाई टू। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट नाउ, सो इक्वेशन सी में पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन सी, बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, एंड दिस इज वन एंड दिस इज ऑल्सो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। सो बी हमारे पास आ गया म्यूनोट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू टू, और टू से टू कैंसिल हुआ, तो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट, बी इज इक्वल्स टू म्यूनोट आई अपॉन टू पाई ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजेबल रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू अ कंडक्टर। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए आएगा। ओके, अब हम मूव करते हैं केस थर्ड की तरफ, एक स्पेशल केस और आप लोग हम डिस्कस करेंगे, वो भी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर का ही होगा, बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई करेगा। जो नेक्स्ट अपना स्पेशल केस है वो है केस थर्ड। केस थर्ड क्या है कि कंडक्टर अभी भी इनफाइनाइट लेंथ का है, द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, बट the observation point P lies near end x or y। ये खास बात है इस वाले स्पेशल केस की कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या तो वो x एंड के पास लाई करता है या फिर वो y एंड के पास लाई करता है। कैसे, लुक, कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सपोज करिएगा कि ये x एंड है और ये y एंड है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई कर रहा है, तो फिलहाल मैंने कौन से एंड के पास मान लिया, x एंड के पास, पर y कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, y कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। सो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया a, और ये वाला एंगल हमारे पास ऑलमोस्ट कितना हो गया, पाई बाई टू, फाइव जो एंगल है फाइव टू ये कितना हो गया 90, और फाइव वन कितना हो गया जीरो, फाइव वन कितना हो गया जीरो। तो इक्वेशन थ्री से जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव वन, साइन जीरो होता है जीरो, साइन फाइव टू यानी कि पाई बाई टू, साइन नाइनटी क्या हो गया वन, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास, और ये कंडक्टर उस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है जो इनफाइनाइट लेंथ का तो है बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट किसी एक एंड के पास लाई करता है, और वो एंड यू कैन ट्रीट इट एक्स और यू कैन से वाई। जब हम वाई एंड के पास निकालेंगे इसे, इसी का दूसरा केस क्या होगा, ये तो पहला केस था, पहला केस कि अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है कौन से एंड के पास, एक्स एंड के पास, और दूसरे केस में पॉइंट पी लाई कर रहा है कौन से एंड के पास, वाई एंड के पास। तो यहां
तो हमने क्या किया था भाई, 5 1 जीरो हो गया था, 5 2 90 हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास 5 1 कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, और 5 2 क्या हो जाएगा, जीरो, और केस में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट वही आ रहा है आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और क्योंकि यहाँ 5 1 90 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0, बट द रिजल्ट स्टिल रिमेन सेम, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, रिजल्ट वापस कितना ही रहेगा आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a रहेगा, ओके सो ये सब जो है पर्टिकुलर स्पेशल केसेस हो गए कंडक्टर के। अब एक इंपॉर्टेंट काम और बाकी है और वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। सो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को हम कैसे और कौन से रूल से कैलकुलेट करके बताएंगे उसके बारे में आप और हम चर्चा करेंगे अभी। देखिएगा अभी जो अपना नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है वो क्या है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, और कौन से रूल से वो दिया जाएगा उसके बारे में बात करनी है। दूसरा पार्ट जो हम यहां डील करेंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे पता लगाएंगे अपन। तो देखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो दिया जाएगा राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल आप लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल आप इस पे लगाएंगे। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना आपको, कि सपोज कहिएगा कि ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, हम अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब सपोज करें करंट अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से है तो थंब को पहले इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे लाइक दिस, तो फिंगर्स कैसे स्ट्रेच होंगी, क्लॉकवाइज, और ऐसे अगर करंट फ्लो का तो फिंगर्स कैसे होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। दो तरीके से कंडक्टर को रखा जाएगा, तो पहले हम कंडक्टर को कैसे रखेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट, कि अगर कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये अगर कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखना आपको, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान के चलना, कैलकुलेशन निकालना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं आपके लिए, बट डायरेक्शन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। सो ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस कंडक्टर का पोजिशन कैसे है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, कैसे रखा हुआ है ये, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, कंडक्टर को पेपर की प्लेन पे क्या रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो ड्रॉ होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ड्रॉ होगा, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो देख रहे हैं आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और एज आई टोल्ड यू कि इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज, वो हम कौन से रूल से बताएंगे, राइट हैंड थंब रूल से, अपने थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, तो फिंगर्स यू स्ट्रेच हो रही है ऐसे, सो दिस इज विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां जो आपका कंडक्टर है,
वो रखा हुआ है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो बनेंगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, यो ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है कंडक्टर को, और मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ बनेगी यो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर, और कंडक्टर कैसे हो गया, पैरेलल हो गया। ओके, अब इसके लिए हमने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है डॉट और क्रॉस का, कि डॉट तो हम कहां यूज करेंगे और क्रॉस कहां यूज करेंगे। तो इसी का एक और फॉर्मेशन है आपके पास कंडक्टर का, और वो क्या है कि कंडक्टर को फिर से एक बार बनाएंगे आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो डॉट और क्रॉस के फॉर्मेट को समझिए आप, कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये राइट हैंड रूल थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को स्ट्रेच करिए, जस्ट लुक एट योर टिप्स, कंडक्टर के जस्ट पैरेलल में इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिख रहा है बाहर की तरफ, यो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर बट आउटवर्ड डायरेक्शन, और जब फिंगर्स घूमती हुई इस तरफ आएंगी, इसके राइट साइड में जब आएंगी तो फिंगर टिप्स किधर हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी, यानी कि इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर के यूज करेंगे अपन डॉट, और इधर जब आएंगे तो इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, और उसके लिए क्या यूज होगा, क्रॉस। तो डॉट का जो मतलब है, डॉट जो यहां पे लगाया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और क्रॉस जो आपने लगाया ये है परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्रॉस जो हमने लगाया ये क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेशन है आपके पास केस फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए इसी केस को आप सेकेंडली कैसे डिस्कस करेंगे, ये मैंने यहां से इरेज किया, और इसी पैटर्न को फिर से आप कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। अब केस सेकेंड में क्या है, देखिए अब केस सेकेंड क्या है कि मैंने कंडक्टर को रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अब ये पैटर्न मैंने बना दिया डॉट और क्रॉस। आई होप अब आपको समझ आ रहा कि डॉट क्या है और क्रॉस क्या है। जो डॉट है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये कंडक्टर है, अभी मैंने क्या कहा, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर इनवर्ड, और डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सपोज करो कि करंट कैरिंग कंडक्टर और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे रखता हूं यू, तो कंडक्टर प्लेन ऑफ पेपर के क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ठीक है। यहां डॉट लगाया हुआ है तो कंडक्टर प्लेन ऑफ पेपर की क्या है, परपेंडिकुलर है, बट डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। पहले वाले केस में कंडक्टर कैसे रखा हुआ था, पैरेलल, यहां कंडक्टर को ही कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको, पहले बता देता हूं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, अब रूल वही लगेगा, थंब को रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर स्ट्रेच कर दो, तो ये बनेगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट डायरेक्शन में चेंज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां करंट है परपेंडिकुलर इनवर्ड और थंब को रखा परपेंडिकुलर इनवर्ड, और फिंगर स्ट्रेच कीजिए, कैसे स्ट्रेच हो रही है, क्लॉकवाइज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे सर्कल्स होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, बट सभी में डायरेक्शन क्या रहेगी, क्लॉकवाइज, और यहां एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी,
एंटी क्लॉकवाइज ओके। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, पैरेलल, और कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो कंडक्टर है आपका, कंडक्टर वो कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कंडक्टर को कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, एक में इनवर्ड और एक में करंट क्या है आउटवर्ड। फाइनली जिस बात के बारे में आप और हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो हम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सपोज करिएगा देयर इज अ पॉइंट पी, ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमें निकालना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पी पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, ये लीजिए, दैट टेंजेंट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करिए कि आप यहां निकालना चाहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको यहां पे क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट, और ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा। सपोज करो कि हमें यहां पे निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और ये टेंजेंट जो है ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें यहां निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो जितने भी टेंजेंट्स हैं सभी आपको बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।